मौसी सर के। आ रही है। इन द नेम ऑफ अल्लाह दी मोस्ट ग्रेशियस दी मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल लिसनर्स। आई होप यू आर ऑल वेल इंशाल्लाह। फर्स्टली आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वेबिनार डॉक्टर मोहम्मद अकरम चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैजाबाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इंफॉर्मेटिव प्रीशियस एंड बेनिफिशियल वेबिनार्स ऑन डेली बेसिस। And thank you so much all participants for joining us and my special thanks to all respected guest speakers. Firstly, recitation of Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तुमको कौसर अता फरमाई। सो नमाज पढ़ा करो अपने रब के आगे और कुर्बानी किया करो। बेशक तुम्हारा दुश्मन वही बेनामो निशान रहेगा। जजाकल्लाह। Now beautiful words in the praise of Prophet Muhammad peace be upon him. Nigahe ishq o masti mein wahi awwal wahi aakhir. Nigahe ishq o masti mein wahi awwal wahi aakhir. Wahi Quran wahi Furqan wahi Yasin wahi Taha. Sabab takhleeq duniya ka jahan jab bhi kahin likha. Sabab takhleeq duniya ka jahan jab bhi kahin likha. मोहम्मद अव्वली लिखा मोहम्मद आखरी लिखा। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। सुभानअल्लाह। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट स्पीकर डॉक्टर आलम अफरोज अरूज खान। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलम अफरोज फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस। Please start and share your precious knowledge about constipation. Please, Dr. Alam Afroz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Uruj. I am from Eastern Medicine Department from Government College and University, Faisalabad. आज का मेरा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। आम जुबान में कहते हैं कब्ज हो जाना। कब्ज मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टूल हार्ड हो जाता है, स्टूल बहुत ड्राई हो जाता है और इसी हार्डनेस और ड्राइनेस की वजह से इसका एलिमिनेशन एवैक्यूएशन या जो बाउल मूवमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। इट इज डिफाइंड एज हैविंग हार्ड ड्राई बॉवल मूवमेंट्स और पासिंग स्टूल फ्यूअर देन 3 times a week। GIT में खास तौर पर कोलोन में ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल या अनयूजफुल जो मटेरियल होता है वो स्टोर रहता है, जिसकी वजह से कब्ज वाला जो पेशेंट होता है उसको सारा दिन बहुत ही अनकंफर्टेबल सा और बेकार सा फील होता है, क्योंकि तब तक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस नहीं आएगी जब तक स्टूल की प्रॉपर एवैक्यूएशन नहीं होगी। तो इसके कॉजेस को समझने से पहले आपको इसके बेसिक सिम्टम्स और बेसिक फीचर्स को समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन की सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर ये होती है कि आपके बाउल का एवैक्यूएशन बहुत कम होगा, मींस एवैक्यूएशन ऑफ स्टूल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, दैट द स्टूल बिकम्स टू हार्ड एंड ड्राई।
और इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल कम हो जाएगी, और स्टूल के हार्ड एंड ड्राई होने की वजह से इसका जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगा, और ये जब रेक्टल रूट से पास होंगे तो ये रेक्टम की स्मूथ लेयर को एरोज कर सकते हैं, वहां पे कोई स्कार फॉर्मेशन कॉज करवा सकते हैं, सोर जनरेट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर पर्सन जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है उनमें पाइल्स के चांसेस को मैनी फोल्ड्स बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज क्या है, ऐसा क्या होता है आपकी जीआईटी में जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है? आप सबको डिटेल में पता ही होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के काम का, कि वो किस तरह से वर्क करता है। जीआईटी इज अ सीरीज ऑफ होलो ऑर्गन्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस। आपके माउथ से लेकर एनस तक जितने भी बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ आवर जीआईटी, उनमें आपका माउथ भी आ जाता है, एसोफिगस भी आ जाता है, उसमें आपका स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये तमाम चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है वो आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ड्रग्स वगैरह जो जितनी भी होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, फिर वो आगे पहुंचती हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, या उसे हम कोलोन भी कहते हैं। और यही असल में ये जो कोलोन पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, यही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है, या यूं कह लें कि जो स्टूल की कंसिस्टेंसी की जो मेंटेनेंस है वो इंटेस्टाइन का जो कोलोन पार्ट है उस पर डिपेंड कर रही होती है। वहां पर अगर पानी की सही क्वांटिटी अवेलेबल होगी कोलोन में, फिर नॉर्मल स्टूल का इवैक्यूएशन होता है। अगर वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा कोलोन में तो स्टूल ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने की वजह से वो हार्ड हो जाएगा, और डायरिया में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। किस तरह से कि जब कोलोन में वाटर की मिकदार ज्यादा है और कोलोन अगर ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उसके अकॉर्डिंगली, तो स्टूल वाटरी हो जाता है जिसे हम कहते हैं डायरिया। खैर, कॉन्स्टिपेशन बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकती है। एक टर्म है स्पेसिफिक डिसबायोसिस। डिसबायोसिस में बेसिकली क्या होता है कि गट का जो माइक्रोबायोटा होता है उसमें इम्बेलेंसमेंट हो जाती है जो कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाती है। और वो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनको ये मसला रहता है, तो उनकी इंटेस्टाइन्स में देखा गया है कि जो मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनका लेवल काफी हाई होता है, और जो उनका गट माइक्रोबायोटा होता है वो डिस्टर्ब होता है। सो कॉन्स्टिपेशन के पीछे बैक्टीरिया या फिर नॉर्मल फ्लोरा का डिस्टर्ब हो जाना, ये भी एक रीजन हो सकती है। उसके अलावा डाइट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। सिंपल आपको अगर मैं एक मिट्टी जो जिसे हम क्ले कहते हैं उसकी एग्जांपल दूं, तो जितना आप उसमें पानी भरते जाएंगे उतनी ही वो सॉफ्ट होगी। जैसे जैसे वो ड्राई होगी उसके अंदर का पानी इवेपोरेट होगा, तो वो जो सॉफ्टनेस होती है मिट्टी की वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो जाएगी। और यही सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉन्स्टिपेशन में भी होगी। उस पर्टिकुलर पर्सन को काफी अच्छे से मालूम होगा जिसने अपनी लाइफ में कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस की होगी। अच्छा, पहली वजह तो डिस्कस होगी कि कोलोन वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्टूल ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। दूसरी वजह है कोलोन मसल्स की जो कंट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल स्लोली मूव करता है। हमारा जो कोलोन है इनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं, और ये जो मूवमेंट है स्टूल्स को आगे की तरफ धकेलने का काम करती हैं, या कह लें जो कोलोनिक मूवमेंट्स हैं वो स्टूल को आगे की तरफ मूव करवाती हैं टूवर्ड्स द रेक्टम उसकी प्रॉपर एवेक्यूएशन के लिए। और जब स्टूल मटीरियल या फिकल मटीरियल जब रेक्टम में आता है तो रेक्टम डिस्टेंड करता है, और वही डिस्टेंशन कॉज करवाती है डेफिकेशन रिफ्लेक्स को। अगर ये मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको मैं यहीं पे बताते चलूं कि डेफिकेशन जो रिफ्लेक्स है वो बेसिकली क्या होता है कि जब कोलोन से जो होता है अनयूजफुल मटेरियल वो जब रेक्टम में आता है तो वहां पे डिस्टेंशन होती है, फिर वहां के जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो स्टिम्यूलेट हो जाती हैं उस डिस्टेंशन की वजह से, और फिर वहां से इंपल्सिस जनरेट होती है।
वो जो इम्पल्स होती हैं वो डेफिकेशन सेंटर, हमारे जो ब्रेन का डेफिकेशन सेंटर है वहां तक जाती हैं विया एफरेंट नर्व्स ऑफ पेल्विक नर्व। तो वहां पे जब मैसेज आता है तो वहां से जो ब्रेन सेंटर होता है वो जनरेट करता है मोटर इम्पल्सिस को, और मोटर इम्पल्सिस आती हैं विया इफरेंट नर्व्स ऑफ पेल्विक नर्व्स टुवर्ड्स द डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन और रेक्टम। और फिर ये जो इम्पल्सिस होती हैं ये हमारे सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉन्ट्रेक्शन कॉज करवाती हैं, और उसके साथ साथ जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो के इनवॉलेंट्री इनएक्शन होता है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है। और जैसे ही इंटरनल एनल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है तो हमें डेफिकेशन की अर्ज फील होती है, हमें डेफिकेट करने की जरूरत महसूस होती है। और साइमल्टेनियसली अगर आप चाहें तो उसको एवैक्यूएट करवाना है स्टूल्स को, तो जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं उसको उसकी आप रिलैक्सेशन भी करवा सकते हैं, और अगर अभी स्टूल पास करने वाली कंडीशन नहीं है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, सप्रेस भी किया जा सकता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं ये वोलेंट्री होते हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलोन होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कोलोन की कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगी तो स्टूल भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, कोलोन से रेक्टम तक स्टूल की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, और जितनी देर स्टूल कोलोन में स्टे करेगा उसमें से वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो होती रहेगी उतनी देर जब तक स्टूल वहां पे स्टे किया हुआ है, और इसी की वजह से स्टूल जो है वो ड्राई हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके मेन कॉजेस की, मैं उन्ही कॉजेस का यहाँ पे बताऊंगी जस्ट जो ज्यादातर वजह बनते हैं कॉन्स्टिपेशन का। तो नंबर वन कॉज है लेस फाइबर डाइट। हम अपनी डाइट में बहुत सी चीजें यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारी डाइट में ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं हो रही जिनमें फाइबर्स हो, मतलब अगर हम एक लंबे अरसा तक ऐसी डाइट ले रहे हैं जो लेस इन फाइबर हैं, तो ऐसी डाइट वाटर रिटेंशन को बढ़ा देती हैं और जो कोलोनिक मूवमेंट्स हैं उनको भी आल्टर करती हैं, उनको स्लो डाउन करती हैं, एवैक्यूएशन ऑफ बाउल को इफेक्ट करेगी ये जो होती है लेस फाइबर डाइट, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब और रिटेक करने के लिए फाइबर डाइट बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो अगर फाइबर का इनटेक नहीं होगा तो वाटर को जो रिटेक करने की एबिलिटी है डिस्टर्ब होगी, जब वाटर रिटेक नहीं होगा तो कोलोन में उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी और फिर वाटर जो है वो स्टूल में से कम होता चला जाएगा, स्टूल में हार्डनेस और ड्राइनेस पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको अपनी डाइट को फिक्स करना होगा, आपको अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, और डाइट में ऐसी चीजों को जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा जिनमें फाइबर्स हो। आप उनमें सलाद भी यूज कर सकते हैं, ऐसी वेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको आप रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। फाइबर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और वो वाटर में चूंकि इनके पास एबिलिटी होती है खुद को डिजोल्व करवाने की, ये स्टूल के अंदर मिक्स होके जेल लाइक मटेरियल बनाते हैं, और वो जो म्यूसिलेजिनस जेल लाइक मटेरियल जब बनता है तो वो क्या करता है, अल्टीमेटली स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्टूल का इवैक्यूएट होना ईजी हो जाता है। उसके अलावा जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं ये इट रिटेन्स मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एज इट गोज थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये स्टूल के साथ मिलकर बल्क पैदा करते हैं, उसे सॉफ्ट करते हैं, एंड दिस मेक्स इट इजियर टू पास थ्रू द रेक्टम। सो जो लेस फाइबर इन डाइट है उसका विड्रॉ करना, और जितनी फाइबर डाइट आप यूज करेंगे उतना ही उसमें वो जो पेशेंट है उसको कभी लाइफ में ये कब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कॉज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का रिलेशनशिप है कॉन्स्टिपेशन से, वो ये है कि मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, इसका जो मेन फंक्शन है। अगर किसी पर्सन का लाइफस्टाइल स्लगिश है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, उसकी लाइफ में कोई खास फिजिकल एक्टिविटी नहीं है,
तो इससे कोलोन के मसल्स की स्ट्रेंथ वीक होगी। वो लोग जो कंटिन्यूअसली एक फिक्स टाइम में एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, उनकी बॉडी में बॉवल मूवमेंट और बाकी का भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन रहता है। तो इस तरह एक जो नॉन फिजिकल एक्टिव पर्सन है उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। थर्ड जो कॉज है वो है ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज का आप सबको पता ही होगा, लेकिन अगर मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करूं तो जो ड्रग इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन होती है वो ज्यादातर ओपियोइड्स के इस्तेमाल से भी हो सकती है। स्टमिक अल्सर के पेशेंट्स को ज्यादातर प्रेस्क्राइब की जाती हैं एंट एसिड्स, जो एचसीएल की प्रोडक्शन को कम करती हैं। एंट एसिड्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टाइप की जो एंट एसिड्स होती हैं, इनकी नेचर वाइज ही ये क्या करती हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन को कॉज करवाती हैं, क्योंकि ये कोलोन की मूवमेंट्स को स्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो अगर इस तरह की मेडिसिंस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन को कॉज करवा सकती हैं। और ऐसी तमाम ड्रग्स जो आपकी बॉडी में पानी की कमी करें, वो तमाम ड्रग्स आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन कॉज करवा सकती हैं। जो फोर्थ वन कॉज है हमारा वो है प्रेगनेंसी। जो वुमेन्स प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही होती हैं, खास तौर पर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अगले जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसके बाद का जो फेज होता है, ऐसे में वुमेन्स को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। बट दिस इज अ वेरी कॉमन एसोसिएटेड कंडीशन। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह की, और वो है ट्रेवलिंग। जो लोग ट्रेवल करते हैं, जिनका कोई रूटीन नहीं होगा, कभी लेट नाइट ट्रेवल करना है उनको या कभी अर्ली इन द मॉर्निंग वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, सर्कैडियन रिदम जो है उनका, वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी ये प्रॉब्लम, उसकी वजह से उनको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोस्ट ऑफ केस आपने भी ये इन चीजों को फेस की ही होंगी, आपने भी, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको अपनी डेली रूटीन से हटकर ट्रैवल करना पड़ता है और आपकी जो डेली की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आप मॉर्निंग में अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने सुबह उठ के, उसको पता है कि मैंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है, या फिर कोई भी ऑफिस वर्कर बॉय है या गर्ल है, उन्होंने अपने ऑफिस में जाना है, तो उसी अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, उसी टाइम के अकॉर्डिंग उठेगा, अपना फ्रेश होगा, खाए पिएगा, ठीक है, और उसकी वो सारी रूटीन एक मैनेज हुई होती है। लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है, तो आपको उन तमाम अपनी रूटीन को साइड पे करके वो सारी रूटीन को डिस्टर्ब करना पड़ जाता है और आप प्रॉपर से वो कह लें कि आप फ्रेश नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो है अब्यूज ऑफ लेक्सेटिव्स। हालांकि लेक्सेटिव्स ऐसी मेडिसिन हैं जो हम कॉन्स्टिपेशन को ही रिलीफ देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में कह लें कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा करते हैं, अगर एक दफा वो बीमार हुए हैं, फिजिशियन के पास गए हैं, तो फिजिशियन ने जब उनको कोई एक मेडिसिन लिख के देनी है ना, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसी डिजीज में वो आए हैं, उन्होंने कोशिश करनी है कि हम फिजिशियन के पास ना ही जाएं, हम खुद से ही उसको बाय करें और उसको लेकर यूज कर लें। तो लेकिन ये चीज बहुत गलत है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी अद्वियात का गैर मामूली और उनका जो इरेगुलर यूज होता है वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से जो लेक्सेटिव का यूज है वो भी इसी तरह से ही है, अगर आप लेक्सेटिव को उनका ओवर यूज करेंगे, उनको इरेगुलर यूज करेंगे, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन को कॉज करती हैं, क्योंकि मेडिसिन तब तक काम करेगी जब तक आप इसमें अपना लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करते। लेकिन अगर आप इन चीजों को, अपने लाइफस्टाइल भी आपका उधर ही है, आपने कोई डाइटरी चेंजिंग भी नहीं लाई और जस्ट मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। उसके अलावा जो अगला कॉज है वो है इग्नोरिंग द अर्ज टू हैव बाउल मूवमेंट। अगर आप डेफिकेशन की अर्ज को सप्रेस करेंगे, और इसकी वजह कोई भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो अगर किसी भी कंडीशन की वजह से आप उस अर्ज को सप्रेस करते हैं, बाउल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं नॉइंगली, अननॉइंगली, विलिंगली और अनविलिंगली, जो भी रीजन है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, कॉज है, और वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है या
आप सही से वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, या आप गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हैं बिना ओरल कंजप्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, जो अल्टीमेटली स्टूल को हार्ड करेगा, ड्राई करेगा और कॉन्स्टिपेशन की वजह बनेगा। आगे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। इसके अलावा अनदर वन कॉज इज स्ट्रेस, इसकी वजह से भी कोलोन की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो हो जाती है, एंड इट कैन आल्सो डिले योर अर्ज टू गो वॉशरूम, एंड दिस कंडीशन में आल्सो लीड टूवर्ड्स द कॉन्स्टिपेशन। एंड द लास्ट वन इज द ओल्डर एज कॉन्स्टिपेशन। ज्यादातर 1/3 ऑफ द पीपल जो एज जिनकी होती है 60 और इससे अबव उनको अफेक्ट करती है। सो दीज आर सम कॉजेज। इसके अलावा कुछ और अंडरलिंग हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं डेट कैन ब्रिंग ऑन कॉन्स्टिपेशन, जैसा कि स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज, डायबिटीज। उसके अलावा कोलोन और रेक्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम और डायवर्टिक्यूलोसिस वगैरह, ये भी वजह बन सकती हैं कॉन्स्टिपेशन का। उसके अलावा कोई हॉर्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंक्लूडिंग एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर हम बात करें इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स की, तो इसमें नंबर वन में तो आ जाएगा बॉयल मूवमेंट्स का फ्यूअर देन अ वीक होना, स्टूल्स का हार्ड और ड्राई होना, स्ट्रेनिंग और पेन ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट होना, उसके अलावा अ फीलिंग ऑफ फुलनेस इवन आफ्टर हैविंग अ बाउल मूवमेंट, एंड इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम हो सकती है, ब्लड हो सकता है स्टूल में, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन हो सकती है, लोअर बैक में पेन हो सकती है, फ्लेचुलेंस हो सकती है, उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी हो सकता है इसमें, और जो आपकी बाउल मूवमेंट्स हैं उनमें भी सडन चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक है और रेगुलर नॉर्मल मेडिसिन से वो क्योर नहीं हो रही, तो ऐसे में कुछ टेस्ट करवा लेने बहुत जरूरी होते हैं ताकि अंडरलिंग पैथोलॉजी को डिटेक्ट किया जा सके, लाइक कोई भी कोलोनोरेक्टल कैंसर या आईबीएस वगैरह। तो इस तरह की जो पैथोलॉजीज होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाना भी बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन अगेन, किसी भी डिजीज का अगर डायग्नोसिस बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डायग्नोसिस अच्छा बने, आप मेन कॉज तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए डिटेल्ड हिस्ट्री लेना और साथ ही फिजिकल एग्जाम करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 90% आपका डायग्नोसिस इधर ही बन जाता है, लेकिन जो उसके बाद जो लैब इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो जस्ट अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए होती हैं। तो आप डिटेल्ड हिस्ट्री लें अपने पेशेंट की, कैरी आउट द फिजिकल एग्जाम इंक्लूडिंग आर रेक्टल एग्जाम। याद रहे, जब भी आपने एनल कैनाल का एग्जामिनेशन करना है तो पेशेंट की प्राइवेसी को आप मेक श्योर करें, बेशक पेशेंट मेल है या फीमेल है, अटेंडेंट मस्ट बी देयर। वेन एवर यू एग्जामाइन द प्राइवेट एरिया ऑफ द पेशेंट, यू मस्ट हैव टू डिस्कस टू योर पेशेंट वट इज द प्रॉब्लम इन साइड एंड वट यू आर गोइंग टू डू। एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए दो एनाटोमिकल पोजीशंस होती हैं जिनमें बेस्ट रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, और एक तो है जो डिलीवरी पोजीशन जिसे हम पार्चुरेशन पोजीशन भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को लेफ्ट साइड पे लिटा देते हैं, उसे कहते हैं कि अपनी नीज को अपने एबडोमिन के साथ जोड़ ले। तो इन दो पोजिशन में हम रेक्टल एग्जाम बेहतर तरह से कर सकते हैं, और इसमें यूजली होते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जाम। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में जो फिजिशियन होता है है, वो अपने हाथ पे ग्लव वेयर करता है, उसको लुब्रिकेट करता है, और फिर जेंटली फिंगर को रेक्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है अंदर की तरफ, और फिर वो पल्पेट करके देखता है किसी भी इसके थ्रू कोई भी अंडरलिंग पैथोलॉजी, अगर कोई मैस है फाइंड हो जाए तो वो भी हम उसे इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर कोई अंदर ट्यूमर है तो फिजिशियन की फिंगर के ऊपर अगर कोई ब्लड स्टेन वगैरह आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि पेशेंट के अंदर कोई ट्यूमर प्रेजेंट हो। तो ये इस तरह से कह लें कि डिजिटल रेक्टल एग्जाम करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आप अपने पेशेंट की जो है कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, लाइक CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं आप। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में आप एब्डोमिनल एक्सरे करवा सकते हैं, एनोरेक्टल मैनोमीट्री भी करवा सकते हैं, एंड इट इज द टेस्ट यूज टू एवेलुएट एनल स्फिंक्टर मसल फंक्शन। इसमें एक थिन ट्यूब इंसर्ट की जाती है विद बलून टिप इन टू द एनस। एनस में एक बलून टिप के साथ एक वो ट्यूब इंसर्ट की जाती है, और जब ये ट्यूब अंदर की तरफ चले जाती है तो बलून को इन्फ्लेट किया जाता है और फिर उसे स्लोली बाहर की तरफ पुल आउट किया जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसे हम बेरियम एनीमा एक्सरे कहते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ द टेस्ट इज यूज टू एग्जामाइन द कोलोन। फॉर दिस टेस्ट पेशेंट विल ड्रिंक अ स्पेशल लिक्विड द नाइट बिफोर द टेस्ट टू क्लीन आउट द बॉवल। इसमें रेक्टम के थ्रू बेरियम को इंसर्ट किया जाता है, और जो बेरियम जब अंदर जाता है तो वो रेक्टम और कोलोन के एरियाज को बेसिकली हाईलाइट कर देता है और हमें इमेज ज्यादा क्लियर तरीके से पता चलती है। उसके अलावा आप कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं। कोलोनोस्कोपी इज अनदर टाइप ऑफ द टेस्ट यूज टू एग्जामाइन द कोलोन। इसमें कोलोन को एग्जामाइन किया जाता है और इसमें क्लोनोस्कोप को यूज किया जाता है। क्लोनोस्कोप के ये एक ट्यूब की तरह होती है और इसके एक एंड के ऊपर लाइट सोर्स भी होता है और कैमरा भी होता है। और इस टेस्ट के लिए पेशेंट को 1 to 3 days के लिए ओनली लिक्विड डाइट पे रखा जाता है। लेग्जेटिव्स दिए जाते हैं द नाइट बिफोर द टेस्ट गट को क्लियर करने के लिए ताकि इमेजेस क्लियर आए। इसकी अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, तो उसमें एक तो रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है, हेमोराइड्स हो सकते हैं, एनल फिशर हो सकता है। एनल फिशर बेसिकली क्या है? एनल फिशर होता है एनल कनाल की म्यूकोजा में लीनियर टीयर आ जाना ड्यू टू द पैसेज ऑफ हार्ट स्टूल। जब हार्ट स्टूल गुजरता है रेक्टल रूट से तो वो क्या करता है कि उसके जो एनन कनाल का जो खास तौर पे जो उसका पोस्टीरियर म्यूकोजा होता है वहां से जब रब करते हुए गुजरता है तो वहां पर एक टीयर आ जाता है जिसे हम एनल फिशर कहते हैं। एनल फिशर के कॉजेस बहुत से होते हैं, लेकिन इसका जो मेन और इम्पोर्टेंट कॉज होता है ज्यादातर पेशेंट्स में जो पाया जाता है वो होता हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होना। वो पेशेंट जिनको ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता ही है ऐसे में उनको एनल फिशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जबकि इसके कुछ सेकेंडरी कॉजेस भी हो सकते हैं, लाइक कोई भी एक्यूट क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, TB हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये आ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बताते चलूँ कि अगर पेशेंट को एनल फिशर का प्रॉब्लम है तो उसमें कभी भी आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एनल स्फिंक्टर जो है वो स्पैज फॉर्म में होता है, वो ऑलरेडी कंट्रेक्टेड है और वो उसमें सख्ती आई हुई होती है। लेकिन जब आप फिंगर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगी, तो ऐसे में हम पेशेंट का डिजिटल रेक्टल एग्जाम नहीं करते। जस्ट आप जब पेशेंट का एग्जामिनेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको उस टीयर के साथ ही एक एक्सटर्नल लंप फील होता है जिसे हम सैनिटल पाइल कहते हैं, तो ये सैनिटल पाइल ही बेसिकली इंडिकेशन होती है एनल फिशर की। उसके अलावा आपने एनल फिशर में अगर एक पेशेंट आपके पास आया है उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, उसको एनल फिशर का भी प्रॉब्लम है, तो आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए जो ट्रीटमेंट करना है आप वो करें, साथ ही साथ एनल फिशर के लिए आपको कोई ऐसी टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कोई क्रीम या जेल उसको बनाकर दे सकते हैं जिसका काम हो कि वहां पे एक तो वो वेजो डाइलेशन का काम करे, क्योंकि वहां पे जो एनल स्फिंक्टर है वो स्पैज्म है, वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ऑलरेडी ब्लड सप्लाई वहां पे कंप्रोमाइज्ड है, तो वहां पे जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये होना चाहिए कि हमने उस एरिया में एक तो लोकल ब्लड सप्लाई को बढ़ाना है, वहां पे वेसोडायलेशन कॉज करवानी है, और प्लस एक कोई ऐसी ड्रग वहां पे लगाएं जो कि एनेस्थीजिया का काम करे ताकि
पेन में रिलीफ हो पेशेंट को। उसके साथ साथ आपने जो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना है आप वैसे ही उसका करें। उसके अलावा जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है वो है हेमराइड्स की। हेमराइड्स क्या होते हैं, ये डायलेटेड एंड टॉर्शियस एनल वेन्स होती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, कोई भी उनको रेक्टम या एनल कैनाल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो वो उसको यही प्रॉब्लम बताते हैं कि उन्हें पाइल्स है, बवासीर है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता, कोई और पैथोलॉजी होती है पाइल्स के अलावा की। तो इसमें ये होता है कि आपने एग्जाम लाजमी करना होता है। पेशेंट की बात को आप ना फोकस करें, जो आपने खुद एग्जामिनेशन करना है, आपकी जो खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन है उनके ऊपर आप ज्यादा एतमाद करें। तो जो हेमोराइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल हेमोराइड्स वो होते हैं जो एनल केनाल के टॉप रीजन से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स होते हैं वो एनल केनाल के लोअर रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। और इनका भी जो प्राइमरी कॉज होता है वो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होना ही होता है, जबकि इसके कुछ सेकेंडरी कॉजेज भी हो सकते हैं, लाइक लीवर सिरोसिस, हाइपेटाइटिस बी एंड सी, फाइब्रोसिस हो जाना, मेलेग्नेंसी, कैंसर वगैरह। लेकिन हेमरॉइड्स में पेशेंट आपके पास जब आता है तो उनको अगर स्वेयर किस्म की हैं तो उन्हें ब्लीडिंग पर रेक्टम भी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी जिससे आप अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं सिर्फ एक ही उस सिम्टम से, कि अगर पेशेंट आपको कहता है कि उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आपने किन चीजों को नोट करना है। अगर तो ब्लड फॉलो कर रहा है स्टूल को, मतलब पेशेंट कहता है कि मैं स्टूल पास करता हूँ उसके बाद चंद एक कतरे आते हैं ब्लड के, दिस गोज इन फेवर टूवर्ड्स द हेमोरॉइड्स। ठीक है, ये हेमोरॉइड्स में ऐसा होता है क्योंकि जब पेशेंट ट्रेनिंग करता है अपनी फीकल मैटर को इवेकुएट करने के लिए, तो ऐसे में जो एनल वेन्स होती हैं जो ऑलरेडी डायलेटेड और स्वोलन होती हैं वो फट जाती हैं, और जिसकी वजह से फ्रेश ब्लड आ सकता है। उसके अलावा जो एनल फिशर है उसका पेशेंट कंप्लेन करेगा कि ब्लड होता है अलोंग द, एक लाइन लगी होती है स्टूल के साथ ब्लड की, और ये एक क्लासिकल फीचर है एनल फीचर का, क्योंकि जब हार्ट स्टूल एनल कनाल में से जब पास आउट होगा तो वो जो उसकी पोस्टीरियर म्यूकोजा है उसको रब करता हुआ जब गुजरेगा तो वहां पे ऑलरेडी अगर टीयर वहां पे है, एनल फीचर है, तो उसको वो मजीद डैमेज करता आएगा, तो उसके साथ वो ब्लड लगा होगा स्टूल के। उसके अलावा अगर क्लॉट्स आ रहे हैं ब्लड के तो ये कैंसर भी हो सकता है, और अगर स्टूल के अंदर मिक्स्ड फॉर्म में ब्लड है और डार्क कलर के स्टूल्स आ रहे हैं पेशेंट को तो ये हो सकता है कि पेशेंट को क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर जो अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स ब्लीड करते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। और हेमराइड्स में आप डिजिटल रेक्टल एग्जाम भी कर सकते हैं, इसमें आप प्रोक्टोस्कोपी भी करवा सकते हैं पेशेंट की। इसके अलावा जो इसका हेमोराइड का ट्रीटमेंट होता है ये फिर एक अलहदा सा टॉपिक बन जाता है। बहरहाल आपने उसकी ग्रेडिंग करनी होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4, एंड उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना होता है। अब जरा हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो है कॉन्स्टिपेशन। इसके ट्रीटमेंट में आपने डाइट को चेंज करें, पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं, और एंड दीज आर द इजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वेज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। आप वाटर इनटेक को बढ़ाएं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स की कंजप्शन को लिमिट रखें क्योंकि ये भी डिहाइड्रेशन को कॉज करती हैं। इसके अलावा जो फाइबर इन रिच डाइट है वो यूज करें, सच एज रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, प्रूनस, और जितने भी ब्रांड सीरियल्स हैं आप उनका यूज करवा सकते हैं, कर सकते हैं। एंड योर डेली इनटेक ऑफ फाइबर शुड बी बिटवीन 20 to 35 grams, 20 से 35 ग्राम तक का आपका इनटेक होना चाहिए डेली। और लो फाइबर डाइट को कट डाउन करें, जैसे कि मीट हो गया, मिल्क, चीज वगैरह, तो इन और जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं इनसे आप परहेज करें, उनको कम करें। एक्सरसाइज करें कम अज कम 30 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 टाइम्स पर वीक। आप इसमें वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डेट्स योर चॉइस। एंड इफ यू फील द अर्ज टू हैव अ बाउल मूवमेंट, डोंट डिले। जितना आप डिले करेंगे उतना ही स्टूल हार्ड होगा, ड्राई होगा। और इसके अलावा लेग्जेटिव्स का यूज भी किया जा सकता है। मार्केट में बहुत से फाइबर सप्लीमेंट्स, ऑस्मोटिक एजेंट्स, स्टूल सॉफ्टनर्स एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सिंगल
हर्ब्स और प्लांट्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो कॉन्स्टिपेशन में यूज की जा सकते हैं, उनमें नंबर नंबर वन पे आ जाता है गुले सुर्ख रेड रोज। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा मुफीद है। इसकी पत्तियां यूज की जाती हैं, और जो माजून गुलकंद जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए, उसमें भी यही यूज हो रहे होते हैं। और ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका टेम्परामेंट कोल्ड और मॉइस्ट होता है इन फर्स्ट ऑर्डर। टेस्ट वाइज ये थोड़ा बिटर और एस्ट्रिंजेंट होता है, और ये एज अ लेक्सेटिव काम करता है। और इसके अलावा ये एफ्रोडाइजिक भी होती हैं, एंटीपायरेटिक भी हैं रेड रोज, और एज अ कार्डियोटोनिक भी यूज होती हैं। और इसकी डोजेज जो है सेफ डोज जो है वो होती है 5 to 7 ग्राम। उसके अलावा आ जाता है अरंड, जिसे हम कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। ये एक तरह का नॉन इरिटेंट परगेटिव होता है, और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है। ये इंटेस्टाइन्स को स्टिम्यूलेट करता है, एंड कोलोन की जो मसल्स को ये जब स्टिम्यूलेट करता है, तो वहां पे उसकी जो कंट्रैक्शन है कोलोन की वो प्रॉपर होती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड और ड्राई नहीं होता। इसका जो टेम्परामेंट है वो वार्म एंड ड्राई होता है, मतलब हॉट एंड ड्राई। और इसकी जो सेफ डोज है वो होती है बिटवीन 23 ml to 50 ml। यहाँ तक आप इसकी डोज सेफली यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके बाद आ जाती है रोम इमूदी, जिसे हम रेवेंस चीनी भी कहते हैं। इसकी राइजोम्स यूज की जाती हैं, और ये पॉलिकोनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये एज अ परगेटिव काम करती है। इत्रिफल मुलेयन में इसका इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए ही, और इसकी जो डोज है थेरापूटिक डोज वो 1 ग्राम होती है। उसके अलावा प्लांटिगो ओवेटा, जिसे हम इस्पगोल भी कहते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल सी एक कॉमन होम रेमेडी है। फिजिशियंस तो अपने पेशेंट को जो इसका इस्तेमाल करवाते ही करवाते हैं, पेशेंट्स भी खुद ब खुद भी इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं अपने घर पर। बहुत ये कॉमन सी ये रेमेडी है, और बहुत इफेक्टिव। इसके सीड्स और इसका हस्प मतलब छिलका वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एज अ लेक्सेटिव काम करता है। ये फीकल मैटर को बल्क प्रोवाइड करता है, उसको सॉफ्ट करता है, जिसकी वजह से जो हार्ड फीकल मैटर है उसकी इवेक्युएशन इजीली हो जाती है। और इसकी जो डोज है वो 3 to 10 ग्राम्स होती है, और इसका टेम्परामेंट जो है वो कोल्ड एंड वेट होता है इन सेकंड ऑर्डर। उसके अलावा आ जाता है केशिया सीना, जिसे हम सना मक्की भी कहते हैं। इसका टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई होता है। इसके लीव्स यूज किए जाते हैं, और ये जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें बहुत इसके जबरदस्त रिजल्ट्स होते हैं। और इसकी जो मिकदार है वो आप 3 to 5 ग्राम यूज करवा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मुफरादात में आ जाती हैं, लाइक सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अलसी के बीज हो गया, रोगने बादाम, खुबानी, मूली, तुखमे बालिंगो, ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी मुफरादात में प्लांट्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ कंपाउंड ड्रग्स की बात करें, तो इसमें त्रिफल मुलैयन, शरबते मुलैयन, कुरसे मुलैयन के नाम से भी कंपाउंड ड्रग्स अवेलेबल हैं। त्रिफल मुसहिल, त्रिफल सना, त्रिफल जमानी, जवारिश कमूनी मुसहिल, देर आर सो मैनी ड्रग्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड फॉर्म, जो कि आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं कंपाउंड फॉर्म में। मैं अब इनका डिटेल में खुद ही नहीं जाना चाह रही इन कंपाउंड पर पेशेंट्स का, क्योंकि अगर एक के एक का मैं वो नुस्खा बताने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। इनके नुस्खे बहुत अच्छे वो अवेलेबल हैं बुक में, आप वहां से जाके उसको सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट में आप खजूर, अंजीर, अमरूद, आरू, नाशपाती और सलाद में खास तौर पे आप मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रहेगा कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए। और जितने भी फास्ट फूड हैं उनको अवॉइड करें खाने से, चाय को अवॉइड करें, आलू, गोभी, चावल, इन तमाम चीजों से आप परहेज करें। अच्छा, लास्ट पे अब हमारा पहुंच गया लेक्चर, और आखिर में जाते जाते एक बहुत ही सादा सा फॉर्मूला मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। देसी घी आधा चम्मच, छिलका 1 चम्मच, दूध 1 गिलास। दूध को बॉयल कर लें, और इनमें छिलका देसी घी दोनों को मिक्स कर लें और इसका इस्तेमाल कर लें। बताने में तो बहुत छोटी सी और मामूली सी ये चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। और उसके अलावा एक और आप कंपाउंड प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं, उसमें पोस्त, हलीला, जर्द, फिलफिल स्याह,
अजवाइन, देसी, पुदीना, खुश्क, सना, मक्की, गुले, सुर्ख और सफेद नमक, इन तमाम चीजों को हम वजन में ले लें, 10-10 ग्राम इनका ले लें और इन अज्जा का सफूफ बना लें। सुबह शाम अपने पेशेंट को 2 ग्राम पानी के साथ इसका इस्तेमाल करवाएं और साथ में रात के टाइम त्रिफल जो मुलैन है उसका इस्तेमाल करवाएं, 1/2 टीस्पून जो होता है वो। तो ये इनशाला बहुत अच्छा रहेगा आपके पेशेंट्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अकरम, हेड ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर निमरा शाहिद, सर मंसूर अल अजीज साहब फ्रॉम मतलब अल मंसूर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार एंड इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट स्पीकर। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। Thank you so much, Dr. Alam of Roses, for joining us, for your precious time you have given us. MashaAllah, great job. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for all listeners. And you have explained very well about this important topic. And thank you so much, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad. And thank you so much. Bye.